वेलकम टू क्राफ्ट योर लव, आई एम दीप्ति और आज मैं आपके साथ 10 राखी आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो आप घर पे इजीली बना सकते हैं। आई होप इनमें से कोई ना कोई आइडिया आपको जरूर यूजफुल लगे। तो चलिए DIY स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली राखी बनाने के लिए मैं इस तरह की दो थ्रेड या फिर रोप ले रही हूँ। इसे 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मैं कट कर दूंगी और फिर इसे इस तरह से फोल्ड करके पिंक वाली थ्रेड को इसके ऊपर रखे इसके दोनों एंड्स को अब मैं इसके अंदर से ऐसे पास कर दूंगी। तो कुछ इस तरह का नॉट हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। अब मैं एक पुराना ज्वेलरी पीस ले रही हूँ, ये इयररिंग था जो टूट गया है, तो इसे मैं एज अ चार्म यूज करूंगी यहाँ पे और इसे सुई धागे की हेल्प से मैं अच्छे से स्टिच कर दूंगी। तो ये हमारी एक राखी रेडी हो गई है। नेक्स्ट राखी के लिए मैं एक जूट क्लॉथ ले रही हूँ, इसे स्क्वायर शेप में कट कर लूंगी और एक फोम फ्लावर थ्रेड, एक नेट फैब्रिक भी है मेरे पास तो वो भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले फ्लावर को मैं कट कर देती हूँ और इस रोप को मैं जूट क्लॉथ पे अच्छे से स्टिच कर देती हूँ और उसके अपोजिट साइड पे मैं ये फ्लावर भी स्टिच कर दूंगी इसके साथ में, क्योंकि ये फ्लावर फोम का बना हुआ है तो ये पानी में भीगने के बाद भी खराब नहीं होगा। अब मैं नेट फैब्रिक को ऐसे एक पतली सी स्ट्रिप में कट कर रही हूँ और फिर उसे जिगजैग पैटर्न में सुई धागे की हेल्प से पिन अप कर देती हूँ। इसे सेंटर में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हम अच्छे से स्टिच कर देंगे। ये हो गई हमारी सेकंड राखी रेडी, बहुत ही प्रिटी लग रही है। नेक्स्ट राखी के लिए हमें कुछ इस तरह के थ्रेड्स चाहिए, तो मैं एक गिफ्ट कार्ड ले रही हूँ, उसे मैंने ऐसे सर्कल शेप में कट कर दिया है। आप चाहें तो डिफरेंट शेप्स में कट कर सकते हैं या फिर आप एक प्लास्टिक का क्लोथ टैग भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये पानी में भीगने के बाद भी खराब नहीं होगा। तो मैं फैब्रिक ग्लू यूज कर रही हूँ इसे क्लोथ पे पेस्ट करने के लिए। तो इसके एजेस को पहले मैं ऐसे कट कर दूंगी और फिर उसके बाद में इसे ऐसे पेस्ट कर दूंगी। एक और क्लोथ बैक साइड में हम अटैच कर देंगे और उससे पहले हमें एक थ्रेड भी पास करनी है और फिर अच्छे से कोई भी आप टूल ले लीजिए, मैं यहाँ पे पेंसिल यूज कर रही हूँ उसे अच्छे से चिपकाने के लिए। तो आप कोई भी कार्टून कैरेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डोरेमोन का फेस ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी राखी हो जाएगी। मैं यहाँ पे वाइट एक्रेलिक कलर यूज कर रही हूँ। और फिर मैं मार्कर से आउटलाइन भी क्रिएट कर रही हूँ और उसके बाद में मेरे पास ये इस तरह का एक लेस था तो मैंने चारों तरफ वो भी लगा दिया है। नेक्स्ट राखी के लिए मैं ये गिफ्ट कार्ड का एक और छोटा सा कटआउट यूज कर रही हूँ और उसको क्लोथ के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर दूंगी। मैं यहाँ पे ग्लू गन यूज कर रही हूँ। इसके बीच में से भी हम थ्रेड पास कर देंगे और इसे अच्छे से पेस्ट कर देंगे। फिर मैंने एक रेड कलर का रिबन लिया है, उसे पहले पेस्ट कर दिया है सेंटर में और इस तरह की मेरे पास एक गोल्डन लेस रखी है तो इसे मैंने छोटा से सेक्शन में कट कर लिया है और इसे फैब्रिक ग्लू से मैं उस पर अटैच कर दूंगी।
तो आप किसी भी तरह से राखी को डेकोरेट कर सकते हैं। जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है आप उससे कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ब्रो लिख रही हूँ, ये मैंने वो प्लास्टिक का जो क्लोथ टैग था उस पे से कट आउट किया है और फिर उसके ऊपर गोल्डन मार्कर से लिख दिया है और फिर ब्लैक मार्कर से मैंने उसको आउटलाइन कर दिया है। तो ये हमारी राखी रेडी हो गई है। अब ब्रो की राखी रेडी हो गई है तो भाभी कैसे पीछे रह जाए, तो भाभी के लिए भी हम एक राखी बनाएंगे। तो मैंने सर्कल कट आउट किया है, उसके सेंटर में मैंने ये थ्रेड पास करके उसके बैक साइड पे एक और कपड़ा अटैच किया है। अब इसको भी मैं सर्कल में कट कर दूंगी और इसके बाद में हमारे जो एक्स्ट्रा एज बची हुई है उसे मैं ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस में कट करती जा रही हूँ। इसको थोड़ा सा हम ऐसे रब कर देते हैं तो थोड़ा फ्लफीनेस आ जाएगी उसमें। इस प्लास्टिक शीट पे मैं भाभी लिख रही हूँ, उसे कट कर देंगे। मैं यहाँ पे गोल्डन कलर का मार्कर यूज कर रही हूँ। अब ये नीचे वाली जो थ्रेड हमारे पास है इसमें सुई की हेल्प से मैं और कुछ पर्ल्स और बीड्स इसमें अटैच कर रही हूँ। तो ये हमारी भाभी की राखी रेडी हो गई है। नेक्स्ट राखी के लिए मैं ये एक की चेन का जो रिंग होता है वो यूज़ कर रही हूँ। तो इसके लेफ्ट साइड में से पहले मैंने ये रिबन पास कर दिया है, फिर राइट साइड में से भी मैंने ये रिबन पास कर दिया है। इसे सेंटर में एडजस्ट कर लेंगे और फिर आप कोई भी बटन या बीड या पर्ल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये ओम का मेरे पास एक बटन टाइप का था तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो ये हमारी एक और राखी रेडी हो गई है। नेक्स्ट राखी के लिए मैं एक और ज्वेलरी पीस ले रही हूँ। ये भी एक पुराना टूटा हुआ ज्वेलरी पीस है, एक रिंग थी उसके ऊपर का जो रिंग का पार्ट होता है वो टूट गया था। तो इसको मैं लेस लेकर इसके अंदर से पास कर रही हूँ। इस तरह से हमारे पास एक और राखी रेडी हो गई है। नेक्स्ट राखी के लिए मैं इस तरह की थ्रेड ले रही हूं। तो सबसे पहले इस थ्रेड को मैं छोटे से सेक्शन में इस तरह से टेप कर रही हूं। अब हम एक साइड से उसे होल्ड करते हुए उसके चारों तरफ उसे रोटेट करते जाएंगे और ऐसे इकट्ठा कर देंगे। तो इस तरह से हमें कुछ 5 सेंटीमीटर जितना लंबा रोल कर देना है और फिर उसे एक साथ हमें इकट्ठा करके टाई कर देना है। तो ये एक हमारे पास फ्लावर रेडी हो जाएगा। इसके बीच में मैं एक पर्ल भी ऐड कर रही हूँ और फिर उसे एक और थ्रेड पे अच्छे से लगा दें। मैं यहाँ पे स्टेपलर भी यूज़ कर रही हूँ बट स्टेपलर से वो पूरी तरह से टिकेगा नहीं, इसलिए मैं एक और क्लोथ का छोटा सा पीस लेकर और उसके पीछे फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट राखी के लिए मैं ये वुडन बटन्स यूज़ कर रही हूँ और इसके अंदर से मेरे पास ये रिबन रखा है तो ये रिबन मैं इसमें से पास कर दूंगी और देखिए कितना क्विकली एक राखी हमारे पास रेडी हो गई है। इसी तरह से आप कोई लेस भी ले सकते हैं, साड़ी का लेस हो सकती है या कोई पुराने सूट की लेस है,
कोई भी लेस आपके पास रखी है ना, आप वो यूज़ कर सकते हो राखी बनाने के लिए। और जो भी लेस और रिबन हमने यूज़ किया है उसके एंड्स को हम अच्छी तरह से सील कर देंगे इस तरह से। टुडेज वीडियो आई होप आपको ये DIY अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये DIY ट्राई कर रहे हैं घर पर तो प्लीज मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर कीजिए। आई वुड लव टू सी देम। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग।